औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद फारूक आवान, चेयरमैन तंजीमुल आवान पाकिस्तान सिंध। 3 दिसंबर को जो यूथ कन्वेंशन कराची में हम मुनक़िद करने जा रहे हैं, उसके हवाले से अपनी बिरादरी के हर ख़ास आवाम से, वो मुल्क के जिस कोने में भी रहता है और उसका ताल्लुक आवान कौम आवान कम्युनिटी से है, उनसे मुखातिब हूँ। आप सबको पता है कि 3 तारीख को हम यूथ कन्वेंशन कराची में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी ये ख्वाहिश है और ये कोशिश है कि पाकिस्तान के हर हिस्से से, पाकिस्तान की हर इकाई से, पाकिस्तान के हर ज़िले डिवीज़न और सूबे से तमाम आवान इस कन्वेंशन में शरीक हों, अपनी भरपूर शिरकत करते हुए इसे तारीखी फ़कीदुल बिसाल और एक आलीशान कन्वेंशन बनाने में कामयाब हों। आपको पता है कि इस कन्वेंशन में आपकी मौजूदगी इस बात की वजाहत करेगी और इस बात की तायीद करेगी कि आप किस तहदाद में हैं और आपकी तंजीम में, आपकी बिरादरी में कितना इत्तफाक है और आप एक झंडे के नीचे खड़े हुए हैं। मेरा यह पैगाम इसी को दावतनामा समझा जाए और मैं अपनी तंजीम के तमाम अहदेदारान से तवक्को करता हूं कि मेरे इस पैगाम को, इस मैसेज को हर एक फ़र्द तक, वो छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बुज़ुर्ग, उस तक पहुंचाया जाए और इसी मैसेज को ही दावतनामा समझा जाए। इसके बाद इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें किसी ने इनफरादी तौर पे दावत नहीं दी या हमारे पास कोई बताने के लिए नहीं आया। इसमें आपने अपने वक्त की कुर्बानी देनी है, अपने वसाइल की कुर्बानी देनी है और अपनी मदद आपके तहत आप सब ने इसमें अपनी शिरकत को लाजमी बनाना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।